स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द शिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। शिजोफ्रेनिया इज द डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स इन विच पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिटेरियरेट एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस, स्ट्रेंज परसेप्शंस, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स एंड मोटर एबनॉर्मैलिटीज। इट इज़ अ debilitating disorder. The social and psychological costs of schizophrenia are tremendous both to patients as well as to their families and society. देखिए, जो schizophrenia है आपका, ये जो सबसे ज़्यादा इसको dangerous माना जाता है और ये incurable होता है, okay? जब कोई भी patient इस रोग के एक बार चंगुल में आ जाता है तो क्या होता है, उसके लिए आपका जो एक नॉर्मल लाइफ जिसको स्पेंड करना होता है वो एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, वो सारी क्या हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ना तो वो ऑक्यूपेशनल फंक्शंस प्रॉपर्ली कर पाता है, ना जो सोशल टर्म्स है उनको फॉलो कर पाता है अच्छे से, ना पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी वो कोई ध्यान नहीं दे पाता। शिजोफ्रेनिया का लेटिन लैंग्वेज में नाम है आपका डिमेंशिया पैराकॉक्स, ओके? और इस नाम का सबसे पहले अगर किसी ने यूज़ किया था वो था आपका साइकेट्रिस्ट क्रैपलिन, ओके? क्रैपलिन ने किया था। और ये जो आपका डिमेंशिया पैराकॉक्स है, इसको जो शिजोफ्रेनिया का नाम दिया था स्विट्जरलैंड के एक साइकेट्रिस्ट थे ब्लूलर, ब्लूलर ने इनका नाम, इसका नाम रखा फिर शिजोफ्रेनिया, जिसका जो मीनिंग था अगर हम निकालते हैं तो उसका मीनिंग था स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी, मीन्स ये जो पर्सनैलिटी का स्प्लिट अप कर देता है, बांट देता है, डिटेरिएट कर देता है, तो वो जो डिसऑर्डर होता है वो आपका कौन सा डिसऑर्डर है, आपका शिजोफ्रेनिया। इसमें जो हमारी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से स्प्लिटेड हो जाती है, ओके? इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही भयानक गंभीर रोग है, जो क्या करता है, जो इंटेलिजेंस है उसकी वो तो ख़त्म हो ही जाती है, और जो नॉर्मल लेवल पर भी जो पर्सन है वो क्या करता है कि जो सोचने समझने की जो उसकी पावर होती है, थिंकिंग पावर है, परसेप्शन पावर है, वो पूरी तरह से क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है, उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। स्ट्रेंज परसेप्शन, कुछ स्ट्रेंज परसेप्शन वो करने लगता है जिनका कोई अगर हम देखा जाए तो उनका कोई औचित्य नहीं होता, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो ऐसे परसेप्शंस अपनी लाइफ में करने लगता है। अनयूजुअल इमोशनल स्टेट, और कई बार जो उसकी इमोशनल स्टेट्स हैं वो अनयूजुअल हो जाती हैं, कहीं पर वो किसी तरह के इमोशंस दिखाता है तो कहीं पर किसी तरह के, तो वहाँ पर क्या होती है, अनस्टेबिलिटी होती है। एंड मोटर एबनॉर्मेलिटीज, मोटर एबनॉर्मेलिटीज भी हमें उसके अंदर दिखाई देंगी, अगर वो कहीं बैठा है तो बैठा ही रहेगा, अगर भाग रहा है तो बिना किसी रीजन के भाग रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें जो शिजोफ्रेनिक का पेशेंट होता है उसके अंदर ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर। डेबिलिटेटिंग मीन्स क्या है, वीक करने वाला। ये जो डिसऑर्डर है आपका शिजोफ्रेनिया, ये पर्सन को फिजिकली तो वीक करता ही करता है, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज है उनको भी वीक कर देता है। शिजोफ्रेनिया है तो क्या होता है कि उसमें बिजारी, यानी कि कोई भी चीज़
ऐसी जिसका कोई लॉजिक ना हो, वो चीज़ हम वहाँ पर ऐड हो जाती है उसकी पर्सनालिटी में, और वो किस में ऐड होती है आपकी, उसके बिहेवियर में। डिल्यूजन क्रिएट कर लेता है वो, जो उसकी पर्सनालिटी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड, और क्योंकि उसकी जो थिंकिंग होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई, उसकी स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई, तो जो उसकी पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और वो क्या करता है, डिल्यूजन क्रिएट करता है। डिल्यूजन क्या हो सकता, क्या होता है कि एक इरेशनल बिलीफ उसने क्या किया, क्रिएट कर लिया कि हाँ ये है, और उस चीज़ को क्या मान लेता है, वो रियल मान लेता है, ट्रू मान लेता है, जो फॉल्स चीज़ें हैं उनको क्या मानेगा वो, कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और उसमें हेलनसिनेशंस होते हैं। हेलनसिनेशंस क्या होता है बेटा, कि एक तो ये हो गया कि कंफ्यूजन हुआ हमें किसी भी चीज़ को देख के, अगर आपके सामने एक रस्सी पड़ी हुई है तो वहाँ आपने उसको सांप मान लिया, वो कंफ्यूजन हो गया। लेकिन ऐसे लोग हेलनसिनेशन में क्या होता है कि जो चीज़ है ही नहीं, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस चीज़ को वो क्या करता है, जो शिजोफ्रेनिक पेशेंट होता है उस चीज़ का भी परसेप्शन करने लगता है। मान लीजिए कि रस्सी नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, उसको सांप मान लेगा वहाँ पर, कि वहाँ कोई सांप है, तो वो तरह तरह के हेलनसिनेशंस पाल लेता है, और जो उसकी पर्सनालिटी को क्या कर देती है, डिटोरिएट कर देती है। ओके, मैनी पीपल विद शिजोफ्रेनिया डेवलप डिल्यूजन्स, तरह तरह के डिल्यूजन्स इनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं जो लोग शिजोफ्रेनिक होते हैं। अ डिल्यूजन इज़ अ फॉल्स बिलीफ डैट इज़ फॉर्मली हेल्ड ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड्स, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई रेशनल आर्ग्यूमेंट एंड हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी। डिल्यूजन्स क्या है, कोई फॉल्स बिलीफ आपने बना लिया जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, रियलिटी के बेसिस पर अगर आप देखें तो उसका कोई बेस नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो शिजोफ्रेनिक होते हैं, वो डिल्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं, जिन चीज़ों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उन चीज़ों को वो क्या मानने लगते हैं, रियल मानने लगते हैं। अब आता है डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एक कॉमन फीचर है, कॉमन जो आपका सिम्टम है जो शिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि वो लोग परसिक्यूशन मीन क्या है, कि खुद को ऐसा समझना कि उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी वाला जो एटमोसफियर है उनके लिए क्रिएट किया जा रहा है, कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो इस तरह का डिल्यूजन मान लेते हैं, अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, किसी भी पर्सन को अपना एनिमी मान लेते हैं, और ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, वो उनका मर्डर करना चाहता है, ये उनके खिलाफ क्या कर रहा है, कुछ ऐसी साजिश रच रहा है जिससे उसके लिए हार्म पहुंचे, तो ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है आपका। अब आता है आपका डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इन विच दे अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस ऑफ अदर्स और टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। इसमें क्या करते हैं, वो पर्सनल मीनिंग देने लगते हैं, जो लोगों के एक्शंस होते हैं या चीज़ें होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे क्या करने लगते हैं, पर्सनल मीनिंग देने लगते हैं, हर एक चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं, चाहे वो चीज़ उनके नज़रिए से जैसी वो देख रहे हैं, जैसा वो परसेप्शन कर रहे हैं वो वैसा ना हो, वो इवेंट उनके तरीके से गलत हो, लेकिन वो क्या करेंगे, उनका एक पर्सनल मीनिंग जो चीज़ें होती हैं उनके लिए जनरेट हो जाता है। ओके, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, पीपल बिलीव देमसेल्व्स टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन एंड इन डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, दे बिलीव डैट देयर फीलिंग्स थाट्स एंड एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाई अदर्स। अब ये जो आपका डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है, इसमें क्या करते हैं कि वो अपने आप को एम्पावर्ड पर्सन समझने लगते हैं, वो सबसे महान शक्तिशाली अपने को मानने लगेंगे, और वो एक ऐसी, कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग अपने आप को भगवान का भेजा हुआ एक दूत भी मानने लगते हैं, कि हम एंजिल हैं या कुछ भी मानने लगते हैं, और वो सर्वशक्तिमान अपने आप को मानने लगते हैं, और ये होता है आपका डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। और ये जो है आपका डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि उनको ये लगता है कि जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी पूरी लाइफ है, उनके जो थॉट प्रोसेस है और उनके जो एक्शंस हैं, उस पर किसने कंट्रोल किया हुआ है, दूसरे लोगों ने, दूसरे लोग उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे लोग उनकी फीलिंग्स को, उनका जो थॉट है उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो आपका डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, वो इस जो शिजोफ्रेनिक जो पेशेंट्स हैं उसमें मोस्टली यही दिखाई देता है, क्योंकि उनको क्या होता है, वो लोगों को एनिमी मानते हैं, वो किस बेसिस पर मानते हैं, उनको ये लगता है कि वो लोग उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो आपकी जो सारी चीज़ें चल रही थी, उससे क्या होता है, जो जो शिजोफ्रेनिक होते हैं, जो बंदे शिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है,
देखिए, जब हमारी थॉट प्रोसेस सही नहीं है, हमारा जो परसेप्शन है वो गलत हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? नेचुरल है जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी लड़खड़ा जाएगा। भाई कम्युनिकेशन की जो फाउंडेशन है वो कहाँ है? आपकी जो थॉट प्रोसेस अगर सही तरीके से चल रही है, आपका मेमोरी सिस्टम ठीक काम कर रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस सही काम कर रही है, आपका परसेप्शन सही है, तभी तो कम्युनिकेट कर पाओगे आप। लेकिन ऐसे लोगों का जो शिजोफ्रेनिक होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ख़राब होता है, एक तरह से क्या होता है, टूटा फूटा ही होता है, और वो अपनी बात लोगों तक नहीं समझ सकते, समझा सकते हैं। ओके, दीज इंक्लूड रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर सो दैट द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग इज मडल्ड एंड बिकम्स इलॉजिकल ऑफ एसोसिएशंस। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि ये लोग क्या करते हैं कि अगर हम इनसे बात करते हैं, शिजोफ्रेनिक का कोई पेशेंट है, आप उससे कभी बात करिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, किसी एक टॉपिक पर बात चल रही होती है, अचानक से वो बंदा किसी अनदर टॉपिक पर बात करने लगेगा जिसका वहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता जिस समय आप बात कर रहे होते हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो उनकी जो थिंकिंग है वो इरेशनल है, और इसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ रहा है? उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर पड़ रहा होता है। वो अपनी बातों को क्लियरली नहीं रख पाते, और जो बातें वो कहते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, और किसी भी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं होता। जो वो बात कह रहे हैं उसका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता, आप खुद से नहीं जो समझ जाओगे। जब किसी सिजोफ्रेनिक पेशेंट से आप बात करोगे तो वहाँ पर उसकी बातों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं होता, कभी वो कुछ कहने लगता है, कभी कुछ कहने लगता है, और वो जो वर्ड्स है और जो फ्रेजेस यूज़ करता है वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं। बार बार किसी भी वर्ड को वो क्या करेगा, रेपिटेशन करेगा, ठीक है, और एक जो सेम थॉट जिसको लेगा वो उसी बात को वो बार 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 बोले चले जाएगा। तो वहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में डिसऑर्डर है। ऐसे लोगों को हम तुरंत से पहचान सकते हैं। अभी हमने ऊपर बात की थी हेलनसिनेशंस की, मैंने आपको बताया था हेलनसिनेशंस क्या होते हैं, कि जब किसी चीज़ को बिना हम सामने देखे, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उस चीज़ को हम क्या मान लेते हैं रियल में, तो वो कहलाता है आपका हेलनसिनेशन। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, हम क्या करते हैं उसको परसीव करते हैं, परसेप्शन करते हैं उस चीज़ का, तो वो आपका हेलनसिनेशंस होता है। अब हेलनसिनेशंस की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा आपके शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखी जाती है। कई बार क्या होता है कि वो ऑडिटरी हेलनसिनेशंस करते हैं। ऑडिटरी क्या है? ये जो उनको कुछ ऐसी वॉइसेस सुनाई देती हैं, साउंड सुनाई देती हैं जो नहीं है, ठीक है, और उनको लगता है कि कोई उनसे बात कर रहा है। अब इसमें क्या है कि दो तीन तरह के फेजेस हैं आपके। इसमें क्या होता है कि एक बार, कई बार तो उनको लगता है कि कुछ लोग, दो लोग बात कर रहे हैं और वो उनकी बातों को सुनने लगते हैं, दो लोगों का आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है और वो उनकी बातों का रिप्लाई भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि उन सामने वाला एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो उनसे बात कर रहा होता है, तो वो उसकी बातों का रिप्लाई भी देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग हेलनसिनेशंस हैं, और ये लास्ट स्टेज होती है शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स की एक तरह से, जिसमें उनको ये हेलनसिनेशंस के जो फिट्स हैं वो बार बार पड़ते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में वो हेलनसिनेशंस करने लगते हैं। उनको कभी कोई दिखाई देता है कि ऊपर से झांक रहा है घर के और उनको पास बुला रहा है, तो कई बार क्या होता है कि ये लोग जो है डेंजरस सिचुएशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई इनको बुला रहा है, तो ये छत से नीचे भी कूद जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है हेलनसिनेशंस की शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स के लिए। टेक्टाइल हेलनसिनेशंस लाइक आपके जो टच रिलेटेड हेलनसिनेशंस होते हैं, उन लोगों को क्या होता है, कभी टिंगलिंग, बर्निंग, इचिंग फील होती है, कभी सेंसेशन की प्रॉब्लम उनको लगती है, जबकि उसका कोई रीज़न नहीं होता। सोमैटिक हेलनसिनेशंस, समथिंग हैपनिंग इनसाइड द बॉडी सच एज अ स्नेक क्राउलिंग इनसाइड वन्स स्टोमक। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं, उनको बॉडी रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अपनी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, कि उनको लगता है कि उनकी बॉडी के अंदर एक स्नेक आ गया है और वो घूम रहा है अंदर, या फिर कोई भी एक खतरनाक अपने अंदर वो क्या कर देते हैं कि मेरे पेट के अंदर एक फोड़ा हो गया है, जिसको अल्सर बोलते हैं एक तरह से। विजुअल हेलनसिनेशंस, बैक परसेप्शंस ऑफ कलर और डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स।
वेग मीन्स क्या हो गया, अनक्लियर, जो उनका परसेप्शन है वो कलर को लेकर क्या होता है, अनक्लियर होता है, वो कई बार क्या करते हैं कि दो कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते लोग, उनको कई बार क्या है कि किसी एक पर्सन को वो कई कई नामों से बुलाने लगते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनका जो परसेप्शन होता है वो कैसा हो जाता है, अनक्लियर होता है, ओके। गैस्ट्रेटरी हेलनसिनेशन, इसमें क्या होता है, फूड और ड्रिंक टेस्ट स्ट्रेंज, कई बार क्या होता है कि उनको खाने के अंदर और जो ड्रिंक है उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं आता या अजीब सा उनको वहाँ पर टेस्ट महसूस होता है, तो वो खाना खाना भी ऐसे लोग छोड़ देते हैं। एंड ऑल्फैक्टरी हेलनसिनेशन, इसमें स्मेल ऑफ पॉइजन और स्मोक, इसमें क्या होता है कि उनको हर जगह पर जहर की, एक पॉइजन की एग्जिस्टेंस नज़र आती है, उनको लगता है कि उनको खाने के अंदर भी जहर दिया गया है या कोई उनके लिए क्या कर रहा है, एक ऐसा जहरीला स्मोक छोड़ रहा है जिससे उनकी डेथ हो जाए, दम घुट जाए। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं कि उसकी पर्सनालिटी को बिखेर देती हैं। किसी भी पर्सन के अंदर आप खुद देखिए, अगर ये सारे सिम्टम्स अगर नज़र आ जाते हैं तो उस पर्सन की पर्सनालिटी का क्या होगा, वो तो खुद से डिटोरिएट हो जाएगी। तो यही कारण है जो आपका शिजोफ्रेनिया है, इसको सबसे ज़्यादा डेंजरस जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसकी कैटेगरी में रखा गया है। पीपल विद शिजोफ्रेनिया ऑल्सो शो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट लाइक इमोशंस डेट आर अनसुटेड टू द सिचुएशंस। वो क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने इमोशंस शो नहीं करते। लाइक अगर किसी की डेथ हो गई और वहाँ पर जो है शिजोफ्रेनिक पेशेंट जाएगा तो उसके चेहरे पर किसी भी तरह का सैडनेस वाली फीलिंग आपको नहीं दिखाई देगी। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग ऐसे सिचुएशंस पर हंसने लगते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर कोई अच्छी इवेंट हो रही है या कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, ऐसे लोग क्या करते हैं, रोने लग जाएंगे और या सैडनेस वाली फीलिंग शो करने लगते हैं वहाँ पर। तो क्या है कि इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट वहाँ पर इनकी जो इमोशंस है उस पर पड़ता है और ये उस चीज़ को शो कर देते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होता।